हम सब जिंदगी में जितने सफल हैं, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी सफलताओं हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं, नहीं तो हवा में पंख भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है। गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिस पर मेरी सहमति भी है, वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व दो चीजों से मिलकर बनता है, एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसकी क्या भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। तुक्का लग गया, आप ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुए जिनके जीन्स की हिस्ट्री में छोटापन था, तो आप छोटे हो गए। दूसरा तुक्का क्या है, एनवायरनमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे मिले, ये सब मिलकर आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं। और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते, तो आप या मैं क्या हैं?